टायर हमने चेंज कर दिया, कड़ा निकाला, फिर नया टायर डाला, पुराना वो गाड़ी कर दिया। कई बंदे होते हैं जो नए होते हैं, ग्रेडर वाला ऑपरेटर भी नया होता है, जो पेंक्री होता है वो भी नया होता है। बहुत मुश्किल होती है कड़ा खोलने में, टायर खोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये कैसे खोला हमने, पूरी डिटेल इसमें है, कैसे कैसे हमने इसको जो है वो कड़े को निकाला है, कैसे हमने टायर को खोला है, वो आपने देख लेना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ये बाहर वाला जो कड़ा है ना, ये खोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमने ये निकाला है तो पुराना टायर दूसरे ग्रेडर से खोल के लेके आए थे, उसमें कड़ा पहले से ही एडजस्ट था, तो अभी हमने लगा दिया है। कैसे लगाया वो आप देखो। अस्सलाम वालेकुम, सुबह अल खैर, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, हम लगे असी यार टायर खोलो, टायर मेरा फटिया, पेंचर होया, आ नवा टायर आया, सही है, नवा देख लो, बरल नवा है कि तार वाला हैगा, सही है ना यार। टायर खोलन लगे हैं, टायर दरअसल कड़ा भी करना बाहर ला, सही है, ये खोलना बहुत मुश्किल है, ये बाहर वाला कड़ा जो है ये निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर से तो खुल जाता है, यहाँ से ना ब्लेड लगा के उसके साथ खोल लेते हैं, लेकिन इसको खोलना मुश्किल है। ये कैसे खोलते हैं आज हम यही बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटर हैं जिनको समझ नहीं आती, पूरा टायर खोलना पड़ता है, ये नट खोलने पड़ते हैं, तो फिर इसको निकाल के यहाँ ब्लेड के नीचे रखते हैं तो फिर जाके खुलता है। तो यहाँ अभी इसी जगह पे लगा हुआ है, जहाँ पे इसी जगह पे इसको इंशाल्लाह खोलेंगे, आपको दिखाते हैं कि कैसे खोलते हैं, सही है। और सब खैरियत है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना। अभी तेल पानी चेक करके इसको करता हूँ स्टार्ट, सही है, तो स्टार्ट करके फिर बात करते हैं। अभी मोबाइल जो है वो मैंने सुडानी को पकड़ा दिया, सही है ना, हमारा पेंचर ही है, मैकेनिक के साथ ही काम करता। तो अभी देखें, बिल्कुल आपने ना कड़े के साथ करके ब्लेड लगाने, सही, ब्लेड को बिल्कुल सीधा कर लेना है, टेपर नहीं करना, सीधा कर लेना है बिल्कुल। और पीछे वाले सेंटर वाले टायर को लाजमी बचाना है, जो सेंटर वाला पीछे वाला टायर है ना उसको लाजमी बचाना है, सही है ना, क्योंकि ब्लेड किसी मशीन का बड़ा होता है तो वो पीछे वाले टायर को भी टच कर सकता है। तो ऐसे करके पत्थर लगाने हैं यहाँ पर, लीवर के साथ ट्राई किया लेकिन एक बार और पत्थर लगाना पड़ेगा। दरअसल ये घुमा के भी हम चला के भी ग्रेडर जो है वो खोल सकते हैं इसको, यानी आगे पीछे करके, लेकिन क्या है कभी कभी ट्यूब और चैम्बर बचाना पड़ता है, तो इस वजह से फिर इसीलिए इस तरीके से खोलना पड़ता है। तो देखें, तीन बार पत्थर लगाया तो माशाल्लाह से कड़ा बाहर आ गया। तो अभी जनाब ये रेडी है, तो अभी अंदर से खोलेंगे। तो अंदर से खोलने के लिए ये देखें, मैंने अंदर भी लगाया क्योंकि ये टायर जो है ये पकड़ता है, और कोई कोई टायर ऐसा होता है ढीठ होता है एक किस्म का, वो बहुत मुश्किल से निकलता है। तो तीन चार बार अंदर ब्लेड लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। तो अभी नए टायर में हवा भरी जा रही है, तार वाला टायर है ये, चार महीना तो आराम से चल जाएगा, क्योंकि आगे लगेगा ना। टायर हमने चेंज कर दिया, कड़ा निकाला, फिर नया टायर डाला, पुराना वो गाड़ी कर दिया।